आरोग्योग परिताप तुम्हारा साधु संत के तुम रखवारे सुन निकल कर राम दुलारे हस्त सिद्धि श्री राम लखन जग जानकी विदेव सो सुर भो बोले माँ के बिहारी लाल की आदत 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 है जिसको लगी जिसकी आदत है हम पर तो है कृपा हमको तो राधे कहने की आदत है राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे याद जब चरितन की आवे याद जब चरितन की आवे सब रोहे जावे प्रेम सब अंगन में शावे भाव में भक्त रहे दीजे आरती सब मिलकर दीजे Come on.
भगवत पंडाल में पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्ति के तुंग शिखर श्रद्धामयी माता व बहने पिता तुल्य सभी बुजुर्ग, सर्वप्रथम उनके चरणों में नमन, उन सबका वंदन और उन सबका अभिनंदन। आइए भागवत भागीरथी की अविरल धारा में नमग्नता से गोता लगाने के पूर्व सभी अपनी अपनी बाड़ी को पवित्र करते हुए प्रभु श्री राम श्री कृष्ण दोनों के नाम स्मरण करते हुए आज कीर्तन सभी प्रेम से बोलेंगे। बोले हरि बोल हरि 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 गो और केशव माधव गो हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव महिमा केशव माधव केशव माधव
हरि हरि बोले हरि 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 बोले हे सब माधव गोविंद बोले सर्वस्व ब्रजरस रसिक हम सबके प्राणाधार वाल कन्हैया लाल जिनकी बांधवी प्रति मूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण हम सबके समक्ष समुपलब्ध है। ऐसी भागवत भागीरथी की अवरल धारा में निमग्नता से गोता लगाने के लिए सभी आज द्वितीय सत्र प्रारंभ करने के लिए जा रही है। कल सभी ने भागवत जी के महात्म का वर्णन श्रवण किया, भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ, तातात्रिया करती हुई धृष्टि नाश की, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और कीर्तन के साथ महात्म की यात्रा को विराम किया गया। अब प्रथम स्कंद की यात्रा में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद का नाम है अधिकार। वेदव्यास जी महाराज ने पहले स्कंद का जब नामकरण करने की बारी आई तो नामकरण हुआ अधिकार, जिसमें 19 अध्याय वर्णित किए गए
और 809 श्लोक लिखे भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हिततो दयते विवेक। जब एक जन्म में अनंत जन्मों के सुकृत पुण्य पुंज एकत्रित होके उदय होते हैं तब जाकर के हमको ऐसे सुंदर अनुष्ठानों में बैठने का मनन करने का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कल मैं फिर एक बार पढ़ने के लिए कह रहा था कि सभी पुराणों में जिस पुराण को जिस देव के नाम से लिखा गया उसमें उस पुराण की महत्ता को गाया गया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा है जिसमें केवल वंदना की गई तो सत्य की वंदना की गई। पहला स्कंद पहला अध्याय और जिसका पहला श्लोक जन्माधस्य यतोन्मया दिदशार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेरे ब्रह्माय हृदया आदकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः सत्यं परं धीमहि पहले श्लोक में भी क्या लिखा सत्यं परं। जब भागवत जी का मध्य आएगा तो सत्यं व्रतम और जब अंतिम स्कंद आएगा तो सत्यं ब्रूयात। तीनों जगह जो त्रिकाला बाधित सत्य है ऐसे सत्य स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को वेद व्यास ने प्रतिपादित किया तो बड़ा सुंदर बता रहे हैं। बोले उस परमात्मा का रूप स्वरूप कैसा है, कल तो उसकी व्युत्पत्ति का उत्पत्ति का लीला संवरण का सबने सुना, आज वो कह रहे हैं कि इस परमात्मा की सब इच्छा मात्र से जो कार्य होते हैं प्रभु उनको जरा वर्णन करिए। तो वही दोनों घाट आनंद तट पर तो बाबा नारद भक्ति के लिए सुन रहे हैं और सरकारी 88,000 संतों को सूरजी महाराज सुना रहे हैं। जन्माधस्य यतोन्मयादि तरश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट उसकी जब इच्छा होती है तो वो पूरे विश्व प्रपंच को बना के तैयार कर देता है। जन्माधस्य जन्म देने वाला केवल एक ब्रह्मा है, इच्छा मात्र से संकल्प करने से ही पूरा विश्व प्रपंच बन के तैयार हो गया। और जब वो मौन हुआ तो पालन हो गया और जब वो कुपित हुआ तो लय हो गया। बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। जैसे एक स्वर्णकार अपने पास गए और स्वर्णकार के पास जाकर हमने उसको सोने का एक बिस्कुट ले जाके दिया कि लो भैया, तो क्या दिया तुमने, नाम क्या था, बिस्किट और दिया सोने का, तो उसका नाम वास्तव में सोना था और तुमने उसको देकर के भिन्न भिन्न आभूषणों को तैयार कराया। वो जब आभूषण बन के तैयार हो गए तो उनका रूप बदला तो कोई कुंडल हो गया, कोई नथ हो गई, कोई टीका हो गया, उसके भिन्न भिन्न नामकरण हो गए, लेकिन वो रहा क्या सोना। वो बनने से पहले भी सोना था
और बनने के बाद में भी सोना है, लेकिन यदा कदा तो क्रोध आ गया, सो सब आभूषणों को लिया और ओखली में डाल के कूट दिया। कूटने के बाद में भी वो क्या रहा? सोना। तो जो बनने से पहले भी सोना था, बनने पर भी सोना था, और बिगड़ने के बाद में भी सोना ही बचता है, ऐसा वो परमात्मा। लेकिन वो अपनी माया, माया एक ऐसी वस्तु है जिससे कि हमको वो न था वो मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था, ना था वो मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था, आता नहीं नजर था तो नजर का कसूर था। उस परमात्मा की माया में हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं? उसने पूरा विश्व प्रपंच बना के तैयार कर दिया, लेकिन उसके बनाए हुए विश्व प्रपंच में हमको जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। ऐसे ही उसकी माया में हमको परमात्मा में कभी कुछ और नजर आने लगता है, और कभी कभी हमको इन्हीं और लोगों में परमात्मा नजर आने लगता है। ऐसे सत्सत स्वरूप परमात्मा का हम वंदन करते हैं, सत्यम ब्रह्म धीमहि उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके आज देखा सूर्य जी महाराज को सरकार 88,000 जो बैठे हैं वो प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं। एक बात और कह दूं, भागवत जी में प्रश्नों की ही महत्ता है। प्रारंभिक काल से लेके और अंतिम तक जितनी भी यात्रा भागवत जी के, सब में प्रश्न ही प्रश्न है। तो यहाँ सूर्य जी महाराज से प्रश्न करते हैं 88,000 सनकादिक। बोले, आप जो सत्यम परम धीमहि कही, तो हम सत्य को पहचाने कैसे? आखिर हमारी दृष्टि में सत्य आए कैसे? बोले, सत्य की कोई परिभाषा तो बता दीजिए। अगर मानो कभी सत्य से हमारा मिलना हो जाए तो हम कैसे पहचान पाएंगे ये सत्य है? इसी बात को बाबा तुलसीदास जी ने लिखा रामचंद्र कुमार से। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बाबा तुलसीदास जी ने तो कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, और वेद भी इसी बात को कहता है, असत्यार पराधर्मो नहीं। और असत्य की बात आई तो तब कहा कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। तो यही जीवन का परम तत्व है। सरकादिकों को जब कह रहे हैं सूची महाराज, भागवत की कथा का आज हम कलावा बांध कर श्रवण कर रहे हैं, हमारे परम सौभाग्य की बात है जो हमें ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यदि कथा हम नहीं करा पाए, केवल सुनने का संकल्प किया, और मानो जब हमारे मन में आता है कि चलो
उनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, चलो चल के सुन के आते हैं। मानो हमने विचार किया है, उसी क्षण हमारे हृदय में आकर के, हमारे हृदय के मध्यस्थ आकर उन गोविंद की लीलाओं का संवरण होने लगता है, उनकी चित्र की सारी बातें हमको याद आने लगती हैं। तो हमको संकल्पित होना चाहिए कि भले ही हम न करा पाए तो सुनने में क्या दिक्कत है, जाके सुन तो सकते हैं। जिन विश्व की कृपा मात्र पूरा विश्व प्रपंच बन के तैयार होता है, ऐसी भागवत महापुराण में द्वितीय श्लोक वर्णन करने लगे। धर्म ब्रोजित केत गोत्र परमो निर्मल सराणाम सताम वैद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्यो हत्या परुध्यते धर्म परमो निर्मल सराणाम सताम। देखो धर्म के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र, उसमें व्यवधाएं आती हैं, और जो व्याधाएं आती हैं वो किसके रूप में आती है, निर्मल सराणाम सताम मत्सर के रूप में। ये जो मत्सर होता है, अगर दूसरी परिभाषा में कहूं तो मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा अंतर है। मच्छर तन को ऊपर से काटता है, उसको खुजाओ तो शांति मिलती है, लेकिन जो मत्सर होता है वो इंसान को अंदर से काटता है। भाई इसकी व्यवस्थाएं सब कैसे ठीक ठाक चल रही, मेरी क्यों नहीं चल रही। किसी से जब ईर्ष्या होने लगे तो मानो मत्सर नाम का दुर्गुण हृदयंगम हो गया, हृदय में प्रकट हो गया। परोत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्साह को देखकर, दूसरे के वर्धन को देखकर जहां हमको जलन होने लगे तो मानो मत्सर ने जन्म ले लिया। तो ऐसे कर्मों में बाधा डालती, लेकिन वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम, वास्तव में वस्तु जो है वो तो केवल शिव है, जो नित्य रहती है वो गोविंद है, जो चिन्मय है, जो शाश्वत है वो राम है, वो कृष्ण है। इनका काम क्या है, सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी सुश्रो भी तक्षणात। जब हमारे मन में मत्सर नाम का अंकुर उत्पन्न हो तब हमको इनके चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। सद्यो हृदय वरुद्धते अत्र, हमें तुरंत ही अपने हृदय में इनकी मुखाकृति को वसा लेना चाहिए, इनकी चरणाकृति को वसा लेना चाहिए, इनकी पूजा पद्धति को अपने मन में उतार लेना चाहिए। क्यों, कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कब हुग रुक सके रब रजनी ठान। और राम कथा क्या काम करती है, श्री कृष्ण कथा क्या काम करती है, जब हमें इस तरह के दुर्गुण हमारे आसपास आने लगे, हमें किसी से ईर्ष्या होने लगे, तब हमको खूब जम के कीर्तन करना चाहिए, जम के ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ा बना। जब ऐसे सुंदर अनुष्ठानों का आश्रय लेते हैं तो वो जो कलमस होते हैं, जो मत्सर होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे कबूतरों के झुंड। कबूतरों के झुंड देखे आकर के दाना चुग रहे हैं, 100-200 बैठे हैं,
लेकिन उन कलमस रूपी कबूतरों का झुंड जब आके बैठे तो हमको क्या करना है कि राम कथा सुंदर कर तारी, हमें राम कथा कृष्ण कथा का चरण आश्रय लेना है। जैसे कि हम अपने कर तारी हाथ की ताली बजाएं तो वो 100 कबूतरों का झुंड एक मिनट में चल के पड़ता है, दूर हो जाता है। ऐसे ही जब कलमस आए मत्सर आए तो हमको चरण आश्रय गोविंद का लेना चाहिए। और तापत्रयोनपूर्णम, तीनों तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य भी केवल गोविंद नाम में ही है। 88,000 सरकारों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से, ठीक है आपने भागवत जी की महिमा को हमें बताया, लेकिन हमने तो वेद वेदांत का पाठ किया है, सुना है गीता पाठे मोहर मोह गीता का पाठ किया है, तो इन भागवत जी से क्या होगा। सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर श्लोक कहा, निगम कल्पतरोरगर्लितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोहरहो रसिका भव भावुकाः। देखो आपने वेद वेदांत का पाठ किया है, बिल्कुल सही बात है। वेद को कहते हैं निगम, आगम निगम पुराण बखान, निगम वेद का दूसरा नाम। तो निगम कल्पतरोर गर्लितं फलम, उस निगम रूपी वेद का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रकट हुआ है। बोले ये पका हुआ फल है, बोले हाँ। बोले पेड़ से आया कैसे, ये डाल का पका है या पाल का पका है, खा भी तो दो तरह का। बोले नहीं ये तो डाल पे ही पका हुआ है। बोले यदि ये डाल पे पका है तो फिर हम कैसे मान लेंगे ये सही है। बोले क्यों कि डाल पे पका है और चुआ हुआ फल है, तो ये जब धम्म से नीचे गिरा होगा तो ये तो फूट गया होगा। बोले नहीं, शाखा शिष्य पर शाखा, ये शाखाओं के द्वारा, ऐसा नहीं कि ये एकदम धड़ाम से नीचे आ गया। जैसे कि ब्रह्मा जी की वाणी से वेद निकला और वो चार ऋषियों के माध्यम से फिर आया, फिर वेद व्यास जी ने उसको परिभाषित किया, एक वेद के चार टुकड़े हो गए, पंचम वेद महाभारत को लिख दिया। बोले जैसे वो शाखा शाखा पर शाखा बढ़ता आया, ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत जी भी आई। बोले सबसे पहले कैसे कैसे आई, बोले सबसे पहले ये नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी के पास चतुर्थ श्लोकी के रूप में, ब्रह्मा जी के पास से ये नारद जी के पास आई, और नारद जी के पास से बाबा वेद व्यास जी के पास आई, उनके पास से सुखदेव स्वामी के पास आई, और सुखदेव स्वामी इसके प्रमुख आचार्य होकर के उन्होंने अपने पिताजी के मुख से ही सूत जी महाराज को अध्ययन कराया, और सूत जी महाराज ही यहाँ संकादिक ऋषियों को कथा कहे। शाखा पर शाखा है, बोले फिर क्या करें इसका, किपिवत भागवतम रसमालयम, ये फल कैसा है। बोले अभी तो तुम कह रहे ये फल है, बोले कि हाँ मैं अभी कह रहा हूँ फल है। बोले फिर तुम पिवत भागवतम कह रहे हो, तुम पीने वाली बात कह रहे हो। बोले सुनो, ये ऐसा सुमधुर फल है कि इसमें न गुठली है न छिलका है, क्या है फिर, रसमालयम, ये रस का आलय है, ये रस का समुद्र है, और रस को पिया जाता है खाया नहीं जाता। बोले फिर कितनी बार पिए इसको, बोले मोहर हो रसिका भुव भाव का, एक बार नहीं दो बार नहीं चार बार नहीं, जब तक पिया जाए अहर निस पीते रहो। ये कल्पना मत करो कि एक बार तो साहब फौजी साहब ने 10 साल पहले कथा कराई तभी सुन ली, अब रोज रोज कहा सुने हैं। मानो जो व्यक्ति रामचरित सुनने के बाद कृष्ण चरित सुनने के बाद में अघा जाए, ये कह दे बहुत हो गया बहुत सुन लिया, तो मानो वो उस रस को जान नहीं पाया।
वो उससे वंचित रह गया है। कथा सुनने के बाद में अगर व्यक्ति के मन में आ जाए कि आए दिन कथाएं होती रहती हैं, आए दिन प्रवक्ता आते रहते हैं, नई नई बातें बताते रहते हैं, सब वही बातें, सब वही कथाएं हैं, है? तो मानो वो उस रस को जान नहीं पाए। रामचरित जही सुनते मानो जो सुनने के बाद में अघा जाए, जो कह दे बहुत हो गया, तो उसके श्रवणों को तुलसीदास जी महाराज ने क्या संख्या दी? रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जानाते नाही, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आही भवन समाना। सर्प के फिर के समान है वो कान, जो परमात्मा का भजन नहीं सुनते। आज नैमिषारण्य क्षेत्र में सूजी महाराज और सरकारी 88,000 ऋषियों को जब कथा कह रहे, जब इतनी बात कही और भागवत जी की महिमा बताई कि इसको सुन सुनकर कौन कौन लोग तरे, तो बड़ी जिज्ञासा से बोले, सुनिए हे सूजी महाराज, अब हमें विदित हो गया कि हमको एक शास्त्र इतिहास पुराणों का जानकार वक्ता हमारे समक्ष आकर के विराजमान हो गया, तो हे ऋषिराज, हे सूजी महाराज, आज आपसे हम एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ पूछो। तो पहले प्रश्न में कह रहे हैं 88,000 सनकादिकों में से एक संत खड़े हो गए महामंडली, और वो पहला प्रश्न कर रहे हैं, सूजी महाराज, मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न हमारा ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या प्रातः कालीन बेला में 4 बजे जगकर स्नान बनाकर और ध्यान में बैठ जाना परम धर्म है? सूजी महाराज ने बोले नहीं। बोले फिर आखिर मनुष्य के लिए जो परम धर्म है उसकी विवेचना करके हमें बताओ। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम कहीं मंदिर शिवालय तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहां एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, पता चला कि मैया एक कटोरी में चुनौती लेके गई और किसी मंदिर में गई तो वहां देखा कि भोग लगाती जा रही हैं, दो दो चुनौरी भगवान के सामने रखती जा रही हैं और भगवान हो गए थोड़े ज्यादा, और मानो 20 प्रतिमाएं हैं और चुनौरी खत्म हो गई 14 प्रतिमा पे जाके, अब 6 प्रतिमा जो रह गई हैं, तो ये बात थोड़ी, ऐसा तो नहीं कि हमें पाप लग जाए? तो वास्तव में मंदिर में जाने के बाद में हम किन देवों की पूजा करें, हमारे जीवन में किन देवों का प्रादुर्भाव होगा? और बोले अब तो वैसे भी आगे कलयुग आ रहा है, सो कलयुग में तो एक देवता हर घर में पैदा हो जाता है, हो रहा है ना? देखो आजकल भगवान को भगवान कौन माने? मैं देखो अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाल बुद्धि में मेरी में आ रहा है तो मैं कह रहा हूं,
आजकल तो भगवान बहुत पीछे, गुरु आगे ज्यादा हो गए। गुरुओं ने इतना बड़ा नेटवर्क स्थापित कर दिया है कि गुरुओं से फुर्सत नहीं मिल रही, भगवान की गाड़ी तो बहुत बाद में आएगी। तो वास्तव में हम किसकी पूजा करें, दूसरा प्रश्न हमारा। और तीसरा प्रश्न है सुनजी महाराज हमारा कि परमात्मा को वेद अजन्मा कहता है, और अजन्मा का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी जन्म न होता हो। तो यदि परमात्मा का जन्म नहीं होता है तो वो वसुदेव देवकी के यहाँ उनकी हाथी कठपुतली बनकर कैसे आ गया? यदि उसका जन्म नहीं होता है तो वो कौशल्या और दशरथ के आंगन में नृत्य करके कैसे नाचने लगा? तो तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो परमात्मा का नाम वेद में अजन्मा है, उसका हमें समझाए कि वास्तव में उसका जन्म होता है या वो अजन्मा ही। और हे सूजी महाराज, चौथा प्रश्न हमारा आपसे ये है कि वास्तव में परमात्मा के अवतार कितने हुए हैं? कोई तो कहता है कि 24 अवतार हैं, कोई कहता है कि 20 अवतार हैं, कोई कहता है कि 10 अवतार हैं, और कोई कोई तो कहते हैं कि राम और कृष्ण दो ही प्रमुख अवतार हैं। तो वास्तव में कितने अवतार परमात्मा के हुए? पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि देखो, अब हम आपसे जब प्रश्न करते ही जा रहे हैं तो आप ऐसा मत कर देना कि हमें कहीं उन्हीं में उलझा दो। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अतः साधोत्र यत् सारं समुद्रतः मनीषया। आप वक्ता हो तो गागर में सागर भरने का प्रयास करना, व्यर्थ की विवेचना मत करने लग जाना। अब आजकल ये प्रचल चल भी रहा है, प्रवक्ता ऐड ज्यादा करते हैं अपना, कथा कम। तो वास्तव में जो सार सार है वही हमको कहना। और छठवां प्रश्न जो हमारा है तुमसे कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो धर्म की स्थापना करने के बाद में स्वधाम गमन कर जाते हैं तो धर्म किम शरणम गतः, वो धर्म किसकी शरण में चला जाता है? ये छह प्रकार के प्रश्न आपसे हमारे हैं, तो आप हमें इन्हें कहने का प्रयास करिए। कितनी बात कही सुसुल जी महाराज बोले कि देखो, तुम्हारे प्रश्न तो लोक बरिया प्रश्न, लोक उपकार के प्रश्न है आपके, और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इसके जो परमार आते हैं ना, उनके चरणों में जरा प्रणाम कर लूं। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्ट अवधूत भेष। किनके चरणों में प्रणाम? जो भागवत जी के प्रथम आचार्य हैं श्री सुखदेव स्वामी। अब जो इतनी बात कही सो सबका देखों ने कहा कि ये सुखदेव स्वामी और कौन आए गए नहीं, तो बोली यही तो भागवत के परम आचार्य हैं। प्रभु ये सुखदेव स्वामी के विषय में जरा हमें बताओ। तो बोले ये सुखदेव स्वामी महर्षि वेद व्यास, उनके अपने औरस पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर ऋषि के पुत्र हुए कृष्ण द्वैपायन, जिनको व्यास जी कहते हैं। व्यास का एक पद भी है, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, और उनके ये पुत्र हैं सुखदेव स्वामी। हे ऋषि राजो, ये गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोदी की क्रीड़ा करने वाले सुख हैं। किशोरी राधा की गोदी में आनंद से बैठे रहते हैं गोलोक धाम में। अब तो देखा कि जब ठाकुर जी की इच्छा मात्र हुई कि अब चल के ब्रज में लीला करनी चाहिए,
सुकेशोरी राधा रानी अहिलादिनी शक्ति है ठाकुर जी की, उनसे कहा आप चलो ना, अब मेरा ब्रज में अवतार होने वाला है तो आप पहले चल के देखो ब्रज में क्या क्या व्यवस्थाएं सुसज्जित हो गई है। तो राधा रानी बोली नाथ मैं जरूर चलूंगी, अब तो देखा है देखो जितने भी लोग आते हैं वो पहले अपने भेजते हैं सूचना लेने वाले व्यक्ति। अब तो किशोरी राधा रानी बोली सुखदेव से जो उनकी गोदी में खिलौनी कर रहे हैं, तो बोली बेटा सुखदेव। हाँ भैया। बोले देखो अब हमको गोलोक धाम छोड़ करके चलना है और अब हमें मृत्यु लोक में धराधाम पर कुछ समय निवास करना है, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अब धराधाम पर चलो। तो सुखदेव स्वामी तो निराश हो गए, आंखों से अश्रु झर गए, बोले मैया मैं चलूं तो सही लेकिन देखो ये गोलोक धाम है और आपकी गोदी का आश्रय मिलता है, माँ मैं आपके नाम को अहर्निश जपता रहता हूँ और अगर मैं धराधाम पर चला जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। सो बोली नहीं नहीं मेरी कृपा से संभूत हो तुम चलो, चिंता मत करो, विष्णु की माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। सो सुखदेव स्वामी चल के आए और जैसे वहां से सुखदेव स्वामी चल के आए तो कहां आए, कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष है बड़ा शोभायमान, उसमें एक सुख पक्षी और एक पक्षिणी का जोड़ा रहता है। सो सुख पक्षिणी के घरों में आकर के प्रादुर्भूत हो गए अंडे के रूप में। बाबा नारद को पता चल रहा है कि किशोरी जी ने कृपा कर दी है, अब तो हम सबके भक्तिमय वातावरण बनाने वाले सुखदेव स्वामी का प्राकट्य होने वाला है। तो देखा कि अंडे के रूप में आए और काल आते ही जैसे ही वो अंडा बाहर आया गर्भ से विगलित होते ही और एक घोंसले में वो अंडा रखा है। जोर की हवा आई, बर्फीली हवा आई, बारिश आई और वो घोंसला क्षतिग्रस्त हुआ, वो अंडा टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाबा नारद ने ध्यान लगाकर देखा, बाबा नारद बोले कि आए तो सही लेकिन ये तो कैलाश शिखर के ऊपर विगलित अंडे के रूप में पड़े, अब इनका प्रादुर्भाव कैसे हो, ये कैसे आए। बाबा नारद ने भूमिका बनाई, देखो बाबा नारद में विशेषता है, नारदो देव दर्शना वेद कहता है, जिस किसी व्यक्ति को नारद जी का दर्शन हुआ है तो मानो रजिस्ट्रेशन हो गया है कि उसको भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है। नारद जी का दूसरा भाव है नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देने वाले हैं वो नारद हैं, या अज्ञान खंड यदि इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करने वाले हैं वो नारद हैं। अब तो बाबा नारद के मन में चिंता व्याप्त हो गई कि आए तो सही लेकिन पर्वत पर पड़े हैं, पर्वत की श्रृंखलाओं में विगलित हो गए हैं, अब इनका कैसे यहाँ हम सब लोगों को आना प्रारंभ हो, ये कैसे आए, क्या प्रारंभ काल की गति बने। सो विचार करने लगे, बोले मेरे द्वारा माता लक्ष्मी में और विष्णु जी में तो कई बार झगड़ा हो गया है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी मैं झगड़ा करा चुका हूँ। देखो बाबा नारद की दो विशेषताएं, जिस घर में झगड़ा ना होता हो चले जाए तो झगड़ा प्रारंभ, और जिस घर में झगड़ा होता हो वहां चले जाए तो झगड़ा बंद। सो मन में आई, बोले ला आज कैलाश पे चले क्योंकि जी दोनों बच रहे हैं, मैया पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ, इनमें हमारे कारण झगड़ो नहीं भयो, तो आज इनको देखें अपना जोर लगाए। सो बाबा नारद सीधे कैलाश पर पहुंचे और जब कैलाश पर पहुंचे तो देखा कि मैया बैठी कुटिया में, मैया है और भूत भावन भगवान भोलेनाथ कंदरा में जाकर समाधिस्त हो गए, गुफा में बैठे। जैसे ही पहुंचे जाके मैया के चरणों में प्रणाम किया, मैया को ये मैया कहते हैं क्यों, भगवान शंकर के नाते से, लेकिन मैया बाबा नारद को गुरुजी कहते हैं क्यों, कारण है
इनकी हस्तरेख देख करके पूरा जो वृतांत बताया है विवाह का, वो नारद जी ने बताया है। इनके कहे हुए वचन के अनुसार ही जाकर के तप किया है, तो वो इनको आदर से गुरु जी कहते हो, मैया कहते तो बोले मैया प्रणाम करता हूँ। अरे आओ गुरुदेव, आओ बाबा आओ। लेकिन एक बात बताओ गुरुदेव। बोले हाँ पूछो। बोले हमके बहुत ग्रहण में चक्कर लगो है तुम्हारा। मैया अब मैंने संसार में आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि संसार के लोगों का प्रेम बड़ा बनावटी हो गया है ना मैया। सुर नर गुण सबकी है रीति, स्वार्थ लाल करें सब प्रीति, सब स्वार्थी प्रीति हो गई। अच्छा ये बातें बाद में होती रहेंगी, लो लो पहले जल लो। सो स्वर्ण के कटोरा में लाके बाबा नाथ को जल दिया और लड्डू दिए। सो बाबा तो अपना नाश्ता करने लगे, और जब बैठे हैं बाबा नाश्ता करते जा रहे हैं और मैया से वार्ता करते जा रहे हैं। मैया क्या बताऊं, ये संसार बड़ा मतलबियों का हो गया है। संसार है चलो यहाँ देखभाल के, इसको बनाने वाले भी होंगे कमाल के। तो मैया ने इतने में कही कि सुनो बाबा, हाँ देखो संसार मतलब ही हो जाए हमें क्या लेना देना। लेकिन भगवान शंकर मुझे कितना प्रेम करते, मैं तो केवल इस बात को अर्थ देती हूँ, इस बात से मतलब रखती हूँ। मेरे भूत बाबा भगवान भोलेनाथ मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं तो इस बात से खुश हूँ। तुम तो कह रहे हो संसार मतलब ही हो गया है, लेकिन कम से कम यहाँ तो मतलब हल नहीं होता, वो तो बहुत प्रेम करते। अरे मैया यदि बाबा तुमसे प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तुम दाम्पत्य में जीवन में जीती हो तो प्रेम करना भी चाहिए, उनका फर्ज भी है प्रेम करने का। बाबा मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो गुरु के द्वारा जो मंत्र हमको कान में प्रदत्त होता है ना, जो दीक्षा मिलती है, उसको शास्त्र कहता है गोपनीय 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 प्रयत्न तह, उसको गुप्त करके रखो। बताओ बस। लेकिन क्या बताऊं, मेरे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने तो दीक्षा में मिला हुआ मंत्र भी मुझे सबसे पहले आके बताया। ओहो मैया इतना प्रेम करते। बोले हाँ। अरे और क्या बताऊं, जब उस मंत्र को जपते जपते समाधिस्त हो जाते हैं, और समाधि में जो उनको ना राम की झांकी का दर्शन हो, कृष्ण की झांकी का दर्शन हो, जिन जिन देवों की झांकी का दर्शन होता है ना, बड़ी सुंदर विवेचना करके बताते हैं मुझे। ओहो मैया ये तो बहुत ही प्रेम है तुम दोनों का। ओ मैया मैं तो ये चाहता हूँ ऐसा प्रेम तुम्हारो सदा बनो रहे, हमेशा बनो रहे। हाँ हाँ मैं वही तो कह रही हूँ। लेकिन मैया एक बात पूछूं। हाँ हाँ पूछो नारद पूछो। अब क्या बात मैया, जब वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, गुरु दीक्षा का मंत्र तुम्हें बता दिया, झांकियों का अवलोकन तुम्हें बता दिया, तो एक बात और पूछिए तुमने कभी? और मुझे तो लगता है कि शायद तुमको जरूर बताई होगी वो बात। तो बाबा क्या बोले, जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है, मुंडों की माला जो डाल करके घूमते, उसमें किसके मुंड लगे, ये बात तुम्हें बताई? सुपार्वती मैया को मुंह लटक गए। बोली देखो बाबा प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन उस माला में किसके मुंड पड़े ये तो मुझे कभी नहीं बताया। अरे तो फिर का वो तुमसे दूर प्यार कर रहे हैं? अरे जिस माला को 2400 घंटे गले में डाल के घूमते हो, उसके विषय में तुम्हें नहीं बताया तो हमें नहीं पता भैया हम कब चल रहे हैं। और देखो घर बिगाड़ने के काजी तो इतनी बात काफी हो है। अब जैसे यहाँ से भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कुटिया से बाबा नारद निकले, तो सामने से देखा कि भगवान शंकर चले आ रहे हैं, और आए सो बाबा नारद ने चरणों में प्रणाम किया और बोले सुनो मैया ने याद किया है। सो भूत भावन भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले जहां ते तुम आए हो माँ, तो मैया याद जरूर कर रही हो। अब तो मैया ने देखा कि वस्त्रों को उतार दिया है, सुंदर वस्त्रों को उतार दिया, आभूषणों को उतार दिया, और उतारने के बाद में पहले जब घर बनते थे तो एक व्यवस्था बनाई जाती थी, उसमें स्पेशल उसमें चाहे भगवान का मंदिर बने या न बने,
पर एक कमरा बनाया जाता था विशेष, और उस कमरे में लिखा रहता था उपभवन, यानी देवी जी नाराज हो जाएं और उस कमरे में चली जाएं तो समझो फिर मनोहार करनी पड़ेगी, मनानी पड़ेगी। जैसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ कुटिया में आए, सो पार्वती नहीं मिली, और नहीं मिली तो सीधे उनने सीध लगाई और को भवन के दरवाजे पहुंच के देखी तो मैया वहां पड़ी है। बोले तो वस्त्र धारण कर लिए और जाके बोले देवी क्या बात है, कोई बात ना है। अरे बताओ तो सही, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या पता चलेगा। बोले वो कोई कसर नहीं गई है। बोले बताओ तो सही बात क्या है। बोले तुम तो बहुत बड़े कपटी हो। बोले देवी तुम कपटी किसको कह रही हो। अरे कपटी तो वो होता है कि जिसने जीवन में कोई छल किया हो, किसी से कुछ छुपाया हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई छुपाने का कार्य नहीं किया। क्यों तुम इससे ज्यादा मुझसे और क्या छुपाओगे। बोले हुआ क्या है, तुम वो बात बताओ मुझे। बोले बात ये है, जिस मुंड माला में को तुम धारण करके घूमते हो, इसमें किसके मुंड लगे हैं तुमने आज तक मुझे बताया। भगवान शंकर स्तब्ध हो गए। बोले देवी यदि मेरे सच्चे प्रेम का कोई प्रतीक है तो ये मुंड माला है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, यदि इसका कोई मेरे पास न प्रत्यक्ष प्रमाण है तो वो ये मुंड माला है। अब तक मेरे जीवन में सहभागिता निभाने के लिए, मेरी लीलाओं को संवर्धन करने के लिए तुम्हारा 108 बार जन्म हो गया, और जब जब तुम्हारा जन्म होकर लीला सिद्धि करने के बाद में तुम शरीर में परिवर्तन लाती हो, तब तक मैं तुम्हारे मुंडों को काट कर अपनी माला में परो लेता हूँ, जिससे कि मुझे तुम्हारे जन्म की स्मृति बनी रहे। जब इतनी बात कही तो भगवान भोलेनाथ से मैया बोली तो तुम महाकपटी हो, एक डिग्री और बढ़ गई। और जब महाकपटी गई से भोलेनाथ बोले क्यों, अब मैं महाकपटी कैसे हो। बोले और का तो महाकपटी हो। अरे तुमने ऐसी किस औषधि का पान किया है, ऐसा कौन सा तुमने अमृत पान किया है जिसको पीने के बाद तुम तो एक बार नहीं मरे और मैं 108 बार मर गई है। यदि तुम सच्चा प्यार करते तो वो औषधि तुमने मुझे भी पिलाई होती। देवी कभी अवसर नहीं दिया। ऐसी कौन सी तुमने रस का पान किया है। बोले मैंने उस अमर कथा का पान किया है। देखो यहाँ एक विस्मय हो जाता है, कई बार मिलने को सुनने को मिलता है कि जी वो भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई गई, वह व्यास बता मना है कि भाई वो अमर कथा कौन सी, खाली अमर कथा कह के छोड़ देते। लेकिन समझने में थोड़ा सा अंतर होता है। अमर का मतलब क्या है, अमर का मतलब है अमाने नहीं और मरमाने मिटना, जो कभी नहीं मिटती हो ऐसी कथा। और ऐसी कथा कौन सी, यही राम कथा, यही कृष्ण कथा, जो कभी यही तो अमर कथा है। वो और अमर कथा कोई कहीं विशेष नहीं थी, भ्रमित करने वाली 100-200 बातें मिलती हैं सब जगह। बाकी यही राम कथा, यही अमर कथा, यही त्रिकाला वादित हैं, जो तीनों कालों में गाई जाती हों, चारों युगों में गाई जाती हों, वही अमर कथा है। अब जब इतनी बात कही तो बोले मैंने उस अमर कथा का पान किया है। देवी बोले मुझे भी सुनाओ, मुझे भी उस कथा का पान कराओ। बोले पान कराऊं तो सही, लेकिन मेरी कथा कहने का नियम तो बड़ा भिन्न है। बोले क्या भिन्न है। बोले मैं जब कथा कहता हूँ तो नेत्र बंद करके कहता हूँ, और मेरी कथा सातों दिन अहर्निश चलती है। हाँ हाँ ना, मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन सुनाओ। बोले तो जाओ तुम एक बार पर्वत के शिखर पर घूम कर आओ, देख के आओ कोई जीव जंतु कोई मनुष्य अगर मिले तो मुझे फिर आगे बताना। सो देखने गई, सो देखा कि सुनसान पड़ा हुआ है, पूरा हिमालय आकर के कह दिया। भगवान शंकर बोले ठीक है तो अब हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, लेकिन एक प्रतिबद्धता होगी, मेरे नेत्र बंद होंगे और तुम ओम 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 के स्वर का उच्चारण करोगे। सो मैया श्रोता बन के हुंकार देने लगी और वो हुंकरा दे रही है, बाबा कथा ने प्रारंभ कर दी। बाबा ने कथा हो रही, चौथे दिन की जैसे ही कथा हुई, वो जो विगलित अंडा पड़ा है कैलाश के शिखर पर वो भी कथा सुन रहा है। पहले दिन की कथा से वो जुड़ गया
और दूसरे दिन की कथा से उसमें जीव प्रादुर्भूत हो गया। तीसरे दिन की कथा को तो बड़ा आनंद ले रहा है, पड़ा पड़ा चौथे दिन की कथा सुन रहा है। चौथे दिन की कथा में संध्या कालीन बेला में जैसे ही भगवान शंकर ने मैया पार्वती को योगेश योग विन्यास योग की कथा में जैसे ही प्रवेश किया, सब मैया को तो नींद आ गई। अब मैया को जब नींद आई तो कहीं कथा विराम न ले ले वे। उस अंडे में से वो सुख का शावक निकला, एक छोटा सा बालक निकला, और निकलने के बाद में मैया पार्वती जैसे स्वर में ओम 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 कहने लगा। और जब ओम ओम कहने लगा, भगवान शंकर ने तीन दिन की और कथा कही। सप्तम दिवस जाके जैसे ही कथा का विश्राम हुआ और भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने जयकार लगाई, बोली वाल कन्हैया लाल की। जैसे ही जयकार हुई सो मैया पार्वती की नींद टूटी, और नींद टूटी से बोली, नाथ आगे क्या हुआ? देवी कथा तो पूरी हो गई और तुम कह रही हो कि आगे क्या हुआ? बोले, प्रभु मेरी तो नींद लग गई थी जब तुम योग वर्णन करने लगे, मुझे नींद आ गई। तुम्हें नींद आई, लेकिन इस कथा को सुन कौन रहा था जो हुंकार दे रहा था? जैसे ही भगवान ने पीछे दृष्टि डाल के देखी तो एक सुख सावक बैठ करके कथा सुन रहा है, और कथा सुनने के बाद में भूत भावन भगवान भोलेनाथ उसके पीछे दौड़े। यहाँ फिर एक शंका हो जाता है, यहाँ मैंने भी वक्ताओं से सुना है, वो कहते हैं कि मारने के लिए दौड़े, मुझे तो नहीं पता सा मारने के लिए दौड़े, लेकिन इतनी बात जरूर है कि उस सावक के पीछे भूत वावन भगवान भोलेनाथ दौड़े तो आखिर कारण क्या रहा जो वो दौड़े? तो दौड़ने का केवल एक ही कारण रहा, सुख सावक यदि सन्मुख बैठ के कथा सुनता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि निष्णात वेद का निष्पन्न नियम है, वो कहता है कि परमात्मा की कथा हमको हमेशा समक्ष बैठ के सुननी चाहिए। यदि अगर हम पीछे बैठ के कथा सुनते हैं तो हमने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, और यदि चोरी की है तो सुख सावक ने भी तो वही कार्य किया है कि उस विद्या को चुराया है, और चुराया है तो चोर को पकड़ने का फर्ज बनता है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ पकड़ने के लिए दौड़े, उधर हिमालय के उत्तम शिखर से दौड़ता हुआ वो सुख सावक आया। उसके ठीक नीचे माना गांव है जो भारत का सीमांत गांव है, वहां से चील लग जाती है, और उस माना गांव में सम्याप्रास नदी है। उस नदी के किनारे पर मुझे तो दर्शन हो गया, एक बार अवसर मिल गया था, वहीं व्यास जी की एक पर्ण कुटी बनी हुई है, वेद व्यास जी महाराज की, इनकी पत्नी है विटका देवी। बहुत समय निकल गया है विवाह को, लेकिन कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई, और जब संतान नहीं उत्पन्न हुई तो विटका देवी अपने केशों को निहार रही है, केश धुले हैं और उनको सुखा रही है छाया में खड़े थे, और जब सुखा रही है वेद व्यास जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु हमारे विवाह को बहुत समय हो गया लेकिन हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई, देवी आप चिंता मत करो, गोविंद सोचा करेंगे, आप चिंता मत करो। इतनी बात कह रही थी जोर से उबासी आई, और जैसे ही उबासी आई सो आहा मुंह खुला, और वो सुख सावक उड़ता हुआ आया और मुखाम मुख मार्ग से होकर के कुदरस्त चला गया गर्भ में से। बोलिए सुखदेव स्वामी की जय। अब गए गर्भ में, देखा कि वहां चारों तरफ दृष्टि डाल के देख रहे हैं भोलेनाथ तो नजर नहीं आए। सुभ्यासी महाराज बोले, क्या देख रहे हो नाथ? बोले, देख क्या रहा हूं, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर छुप गया है। बोले, कोई बात नहीं, जब छुप ही गया है तो छुप जाने। भोलेनाथ वापस कैलाश चले गए। अब तो धीरे धीरे समय निकलता गया, और समय निकलता गया तो एक दो वर्ष नहीं, एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष चार पांच सात आठ वर्ष भी निकलते तो देखा जाता। गर्भस्थ सुखदेव जी को पालित होते होते 12 वर्ष निकल गई। सुखदेव स्वामी गर्भ में 12 वर्ष रही विटका देवी के। अब जो 12 वर्ष हो गई, एक दिन बड़ी चिंतित होने लगी, बोली, सुनिए
वेद व्यास जी महाराज बोले हाँ मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा परिभाषित होता है कि मेरे जो उदृष्ट जो शिशु पालित होता है मुझे गर्व से वेद ध्वनि आती है, वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है। देवी तुम्हारे गर्भ में जरूर कोई ज्ञानवान पुरुष होगा, कोई निष्णात विमलात्मा अवलात्मा होगा, कोई सत पुरुष तुम्हारे गर्भ में पालित होता होगा, नाथ पालित तो होता होगा, लेकिन 12 वर्ष हो गए ये बाहर क्यों नहीं आता, कुछ ऐसा करो ना जो ये बाहर आए, और यदि बाहर वेद मंत्रों का उच्चारण हो तो हमें भी बड़ा आनंद मिले। आहा करूंगा कोई उपाय। अब तो सुखदेव स्वामी ध्यान में बैठे से बोले आप बाहर क्यों नहीं आते हो, अब तुम्हारी मातृश्री को बड़ी तकलीफ होने लगी है, बाहर आओ ना। विचार आता है मनो श्रवण रंध्रों में आवाज आई बाहर तो आऊं, लेकिन बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेगी। बोले मैं कह रहा हूं माया नहीं पकड़ेगी, तुम आ जाओ बाहर। सो बोले तुम कोई माया के ठेकेदार हो है, तुम माया की गारंटी कैसे ले सकते हो। बोले फिर क्या समाधान है। बोले यदि मायापति विष्णु आके कह दे तो बाहर आऊं। जैसे महाराज ने कहा जरूर निवेदन करूंगा। सो निवेदन पर कहा नारायण प्रभु को आना पड़ा। नारायण प्रभु ने आकर के कहा वत्स तुम बाहर आओ, मैं तुमको वचन देता हूं कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। वचन दिया और वही सुखदेव जी 12 वर्ष बाद अपनी माता के गर्भ से बाहर आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बाहर आए सभी देवों ने मिलकर स्तुति की। यम प्रप्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम ते पायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रे तन्मय तया तरबो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोऽस्मि। सबने आकर के वंदना की स्तुति की और सुखदेव स्वामी जन्म देते ही वन को चल चल। देखो ब्रह्मा की सृष्टि के अद्वितीय बालक एक सुखदेव स्वामी और एक परीक्षित। सुखदेव स्वामी जन्म लेते ही वन को चल दिए और परीक्षित जी ने जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लग गए आलती पालती मार के। आगे आ गई कथा। अब सुखदेव स्वामी वन की ओर जा रहे हैं। अलच लिंगो निजलाभ तुष्ट व्रतश्च बालेर अवधूत वेश अवधूत वेश। अब जब जा रहे हैं आगे आगे सो पीछे पुत्र मोह में मोहित हो गए आदरणीय व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्र पुत्र पुत्रे इति तन्मय तया तर्वे मन दूस्तम। रोकने लगे बेटा ठहर जा पुत्र ठहर जा पुत्र ठहर जा, लेकिन सुखदेव स्वामी एक नहीं सुने सीधे चलते चले गए। आगे देखा कि वृक्षों की लताओं ने जवाब दे दिया पुत्रे की तन्मय तया तर्वो विने दो। हे व्यास महाराज आप इस पुत्र के मोह में क्यों पड़ गए हो, आप वापस जाओ, न जाने कितनी बार ये तुम्हारे पिता बन गए, तुम इनके पिता बन गए, आप वापस आओ। आदरणीय व्यास जी महाराज वापस आ जाओ। सबे पुंसा परा धर्मो यतो भक्तिर दोक्षजे आहै दुःख प्रतिहता ऐसे सुखदेव जी के जन्म प्रसंग को सुना करके सूत जी महाराज और 88,000 सनकादिकों के जो प्रश्न है छे उनके उत्तर देने लगे। बोले हे सनकादिको तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मानव धर्म के मानव के लिए परम धर्म क्या है। परम धर्म केवल एक ही है, उस कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाना।
उस राम के चरणों में प्रीति हो जाना। मंदिर इसलिए न जाएं कि हमारा अमुक कार्य बन जाए, हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, हमारी फैक्ट्री बढ़िया चलने लग जाए। मंदिर इसलिए मत जाओ, मंदिर किस लिए जाओ? अरे मंदिर जाना हमारा धर्म है, मंदिर किस लिए जाओ? कृष्ण भक्ति करना हमारा धर्म है, मंदिर किस लिए जाओ? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, अन्य धर्मों को देखिए आप, जो 200-400 साल पहले, 2000 साल पहले, और सबसे पुराना धर्म जो जितने भी धर्म है, 3000 साल पुराना धर्म है, उससे पुराना कोई धर्म नहीं है सनातन के अलावा। सारे धर्मों की स्थापना 3000 पहले, सबसे पहले एक धर्म अलग हुआ, फिर दूसरा 2400 वर्ष हुए दूसरे को अलग हुए, एक को 1800 हुए, एक को 900 हुए, और एक अभी 200-250 साल पहले अलग हुआ है। तो अब तो सब गुरुओं के धर्म ही तो अलग अलग हो गए, सब अपने अपने नाम की टाई बेल्ट बिल्ला लगा देते हैं, सब व्यवस्था। ये सनातन धर्म ही सबसे प्रौढ़ धर्म है, सबसे गौर धर्म है। और इसमें अगर सच बताऊं तो हम ही लोग अपने धर्म को तोड़ने वाले हैं, कोई और नहीं। और धर्मों को तुमने देखा होगा, बिल्कुल सुंदर हो, परमात्मा ने उसको खूब सुंदर रूप स्वरूप दिया हो, और यदि उनके किसी आचार्य का, उनके किसी गुरु का, किसी पादरी का, किसी मौलवी का अगर आदेश हो जाए कि तुमको मूंछ कटानी है, दाढ़ी बढ़ानी है, छोटा पजामा पहनना है, बड़ा कुर्ता पहनना है, तो वो सुंदर भी बंदर बनने के लिए तैयार है, उसे एक नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। और हमारे धर्म में अगर किसी छोटा सा बालक है और उसने चोटी रखा ली और तिलक लगा के अगर 2 दिन मंदिर चला गया, तीसरे दिन हमें कहेंगे देखो क्या भगत जी जा रहे हैं। हमारे धर्म का खंडन करने वाले हम स्वयं। तो मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि हमारा कोई कार्य चलने लग जाए, कोई कार्य बन जाए, बल्कि मंदिर हम इसलिए जाएं कि मंदिर हमारा जाना धर्म है। और मंदिर जाकर के दूसरा तुमने प्रश्न किया था कि सच में पूजा हम किसकी करें, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं, तो हम किसको पूजे और किसको छोड़े? सूत जी महाराज जवाब देते बोले, अलग कुछ नहीं, देखने में हमको बहुत देवी देवता दिखाई देते हैं, लेकिन यथा तरोर मूलम निसेचने, यथा तरोर मूलम निसेचने ना, तत इस कंदह भुजो पशाखा। जैसे वृक्ष में एक तना होता है, उसमें सैकड़ों डालियां होती हैं, उसमें लाखों पत्तियां होती हैं, करोड़ों फूल होते हैं और लाखों फल होते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिस व्यक्ति ने जाके फल की अलग अलग सिंचाई की हो, अलग अलग नराई गुड़ाई की हो,